दोस्तों सभी को गुड इवनिंग और आपका इस लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने बोला था कि 5:30 के आसपास मैं लाइव आऊँगा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं थोड़ा सा बिजी था और अब मैं आपसे बात करने को तैयार हूँ। और आपके सवाल, आपकी रिक्वेस्ट और ख़ासकर कल प्रीलिम्स के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, 2-4 बातें उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहले तो मैं आप सबका फिर से एक बार शुक्रिया और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे शुभकामनाएं भेजी, बधाइयाँ भेजी, कॉन्ग्रेचुलेशन भेजा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। गुड इवनिंग ऑल, जल्दी से जुड़ जाइए भाई। जैसे ही 500 के आसपास लोग होंगे हम लोग बात शुरू करेंगे। 5 से 10 मिनट में आपके बीच में लाइव रहूँगा, फिर हम लोग बात करेंगे। देखिए भाई, इस पे जो कुछ ऐसा मैजिक तत्व जुड़े हुए हैं वो कृपया बाहर निकल जाएं और लाइव का माहौल ना बिगाड़ें। अम्मा गणी जी बहुत बहुत। दोस्तों कल प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले तो आप सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका जो सपना है जीवन का वो पूरा हो और आप सब लोग इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करें। आपने जो भी सोचा है वो पूरा हो, जितना जिस प्रकार से आपने तैयारी की है आज उसकी सफलता आपके सामने हो। सीसेट को दिक्कत है भाई, अब तो जो है जिसके जितना आपने पढ़ लिया है बस उसको फॉलो करना है, उन चीज़ों को अच्छे से करना है। एक दिन में कोई तैयारी नहीं होती भाई। 2-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। दोस्तों नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई, लगभग 450 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। जैसे ही 500 लोग जुड़ेंगे हम लोग अपनी बात शुरू करेंगे। कल प्रीलिम्स है भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। थैंक यू प्रसन्ना। चलो भाई, काफ़ी लोग को मेरे पास रिक्वेस्ट भी आ चुके जुड़ने की, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सबका। चलो अब बात करेंगे कि कल के लिए क्या ध्यान रखना है आप सबको, जो जो एग्ज़ाम देने जा रहा है उनको कल किन चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे पहले तो मैं अभी की बात बताता हूँ कि अभी लगभग शाम हो चुकी है, आप लोग पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए और जितना भी आज तक पढ़ा है उसको एक बार दिमाग में अंदर घुमाने की कोशिश कीजिए, रिकलेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि मैंने पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, मेरे साथ अच्छा होगा। और दूसरी बात है वो ये है कि आपको अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना है, ऑयली नहीं खाना है, ऐसा नहीं खाना कि आपका पेट ख़राब हो जाए, हेल्दी खाना खाना है और एक अच्छी नींद लेनी है। क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम सुबह सुबह ही होती है और उस वक्त अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अगर आपको नींद आ रही है तो दोस्तों आपकी एग्ज़ाम ख़राब हो सकती है। इसलिए आपको आराम से अच्छी नींद लेनी है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है केवल। और कल जब एग्ज़ाम में जाओ तो किसी एक व्यक्ति को, दोस्त को या किसी पेरेंट्स को साथ में लेकर जाना आप, और जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मेरे साथ कोई है। और आपको बिल्कुल अपने शांत दिमाग से एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर बिना किसी सिली मिस्टेक के आपको जवाब देना है और कोशिश करना है कि पेपर को अच्छे से मैनेज किया जाए, 2 से 3 बार पेपर को देखा जाए, जो सवाल जल्दी जल्दी हो रहे हैं शुरुआत में उनको कर लिया जाए और उसके बाद में जो सवाल अटक रहे हैं उनको लास्ट में किया जाए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम 70-80 सवाल तक पहुंचते हमारा टाइम हो जाता है, हम 20 के सवाल देख ही नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में सवाल आसान होते हैं, शुरुआत में मुश्किल होते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि एक बार पेपर को शुरुआत से लास्ट तक पूरा किया जाए और फिर उसके बाद में दूसरे राउंड में जो सवाल आपके डाउटफुल है, जो जिन सवालों में आप अटक रहे हो, उन सवालों को दूसरे राउंड में लास्ट में जो सबसे ज़्यादा डाउट में है उनको। और ओएमआर सीट का आपको ध्यान रखना है कि पहले राउंड के बाद में ओएमआर सीट भर लेनी है दोस्तों। ओएमआर सीट को लास्ट के लिए बिल्कुल नहीं बचाना, क्योंकि जल्दीबाजी में कई बार गलतियाँ हो जाती हैं और आपकी ओएमआर में एक गलती आपको सिलेक्शन से बाहर करवा सकती है। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ओएमआर सीट को बहुत ध्यान से पढ़ा जाए,
पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट किया जाए और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ रहना दोस्तों। सबसे बात है कॉन्फिडेंस की, अगर आप कॉन्फिडेंस में हो तो आपके 50% जो सवाल हैं वो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। जो आप कई बार ऐसा लगाते हो, गेस करते हो कि बी होगा सी होगा, अगर आप कॉन्फिडेंस से उसको टिक लगा रहे हो तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा दोस्तों, आपका सही पे ही जाएगा। चलो दोस्तों, मैं आप सब लोग को यही बताने के लिए लाइव आया था कि आप सब लोग को बहुत अच्छे से काम रहना है, कूल रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है और अच्छे से एग्जाम देना है, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। चलो दोस्तों, मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के लिए और आप सब लोग अपना बेस्ट दीजिए, आपने जितना पढ़ाई किया है उसको रिकलेक्ट करके शांत दिमाग से कॉन्फिडेंस से पेपर दिया। चलो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।